हूँ सोनल टोपी वाला। कला जगत कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में भूमिका मोदी जी हाजिर है, जो गुजरात की बेटी और महाराष्ट्र की बहू है। भूमिका बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार भूमिका बेन, हमारे दर्शकों को आपके बारे में परिचय दीजिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम भूमिका मोदी है। मेरा जन्म सूरत में हुआ है। सूरत में और रहती मैं लास्ट 12 ईयर से मैं बॉम्बे में रहती हूँ। बॉम्बे में मेरा आई एम जिन जुम्बा इंस्ट्रक्टर और बॉम्बे में मेरे काफ़ी क्लासेस चलते हैं। मैं बॉम्बे जू में रहती हूँ, पार्ला जू। और सूरत, मेरे रूट्स जो है सूरत से है, तो मैं सूरत को कभी नहीं भूलूंगी, अपने गुजरात को कभी नहीं भूलूंगी। सो इसीलिए आज मैं सोनल जी के सामने बैठी हूँ। आपको डांस और जुम्बा में ही क्यों लगा कि इसमें ही फ्यूचर है आपका? एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा वेट थोड़ा पुट ऑन हो गया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये सही नहीं है, बिकॉज मैं जब सूरत में थी तो मैं ड्रामा फील्ड में, थिएटर आर्ट में, मोनो एक्टिंग में और गुजरात फर्स्ट थी। तो शादी के बाद, बच्चा होने के बाद, यू नो, पूरा फोकस ही मेरा चेंज हो गया। एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कम खा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कम खाएगी ना तो अच्छा है। वो चीज़ मेरे माइंड में आ गई कि नहीं, अभी तो मुझे कोई भी हालत में अपना रिड्यूस तो करना ही है। विद इन 3 मंथ्स में मैंने 30 kg रिड्यूस किया। मेरे घर पे शादी भी आ रही थी, तो विद इन 3 मंथ्स में मैंने 30 kg रिड्यूस किया। 30 kg रिड्यूस मैंने अपने आप से किया, डांस फॉर्म से किया। जुम्बा वुम्बा तब तो इतना था नहीं, तो मैंने अपने आप को टेप लगा के डांस करके मैंने रिड्यूस किया 30 kg। फिर बाद में फोकस बढ़ता गया, अड़ोस पड़ोस वाले लोग बोले इतने कम समय में तूने इतना रिड्यूस किया, कैसे किया, हमें भी थोड़ा टिप्स दे। तो वैसे वैसे सब लोग फिर मैंने अपने क्लासेस खुद स्टार्ट किए, फिर मैंने जुम्बा का ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद तो एज अ प्रोफेशन मेरा यही हो गया। फिर मेरे नेचर से प्रेरित होकर सब लोग यू नो आने लग गए, और वैसे वैसे 7 सालों से आज मेरा यही चल रहा है। आज मेरे 200 स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन भी 200 स्टूडेंट्स हैं मेरे। सो कुल मिला के मेरे कम से करीबन मेरे 200 सीनियर सिटीजन स्टूडेंट्स हैं और 150 मेरे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। ये जुम्बा क्या है? जुम्बा 1 type ऑफ एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है कि 45 मिनट्स कम्प्लीटली आप भूल जाओगे कि आप क्या हो। और ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, सीनियर सिटीजन भी कर सकती है, उसमें कोई एज है ही नहीं उसमें। और ये डांस फॉर्म नहीं है कि पर्टिकुलर आपको जो स्टेप है वो ही करना है, कि ये कोई भी कर सकता है ये। और जुम्बा ऐसा है कि क्यों नो, सब जिम करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, यहाँ पे आपको न्यू वेरिएशन मिलता है, एवरीडे न्यू वेरिएशन मिलता है। और खुद अपने आप को आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे बाद में, यू नो, आपका जब जुम्बा क्लास ख़त्म होता है, 45 मिनट्स मेडिटेशन सब ख़त्म होता है, फिर अपने आप को आप नया पाओगे कि नहीं, आज मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, आज मैं कुछ स्ट्रांग, कुछ पावर आपको मिलेगा। वो ही पावर आपका बॉडी रिड्यूस करने में आपको मदद करता है। जुम्बा बेसिकली गुजरात और इंडिया का नहीं है, तो ये कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आया और ये हमारे इंडिया में कैसे बन गया? ओह नाइस क्वेश्चन। जुम्बा एक्चुअली, ये जुम्बा अपने इंडिया से बिलोंग नहीं करता, ये कोलंबिया से बिलोंग करता है। जुम्बा कोलंबिया को जो स्ट्रीट डांस होता है वो जुम्बा है। स्ट्रीट डांस यानी अपना ये जो गणपति डांस होता है वो वहाँ कोलंबिया का स्ट्रीट डांस है, तो उसे जुम्बा कहते हैं। जुम्बा में डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म नहीं होते, यू नो, सालसा,
मरेंगे सब फ्लेवर होती है डिफरेंट तो वो डिफरेंट टाइप से ईच लॉस करता है, फैट लॉस करता है, हर एक जगह से हर एक बॉडी पार्ट को वेरिएशन के टाइप से आपको रिजल्ट मिलता है। ये कैसे ये कितने साल से चल रहा है इंडिया में, कैसे आ गया ये? इंडिया में बहुत सालों से चलता था ये एक्चुअली, पर यहाँ पे किसी को इतना नॉलेज नहीं था। सुम्बा का म्यूजिक पर सब लोग डर जाते हैं कि नहीं ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये अपनी कंट्री से नहीं है, उसमें हिप हॉप है, सालसा है, ये है, तो सब लोग डर जाते। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, काफ़ी सालों से है, पर इंट्रोड्यूस अभी कुछ मतलब पिछले 3-4 सालों से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत अच्छा है। मैं सूरत वाले को हार्टली बोलना चाहती हूँ कि आपके आसपास कहीं भी जुम्बा ट्रेनर हो और सर्टिफाइड ट्रेनर हो तो प्लीज़ आप जुम्बा ज्वाइन कीजिए। आपको एक महीना थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होएगा क्योंकि आपने कभी ऐसा किया नहीं है। मिरर के सामने आप अपने आप को खुद को देखोगे, ऑब्वियसली आपको शर्म आएगी कि मैं कितनी मोटी हूँ, मैं क्या हूँ, पर ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हो वो अपने आप के लिए कर रहे हो। तो मेरा बस यही है कि आप सूरत में या नज़दीक में कोई भी जुम्बा ट्रेनर हो जिसके पास सर्टिफिकेट हो तो उसके पास प्लीज़ आप ज्वाइन करो। इसमें आपको कोई भी नी प्रॉब्लम नहीं होएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो नी है वो आपका अच्छा हो जाएगा। अब तो प्लीज़ आप कोई डर मत रखे, आप ज्वाइन कीजिए। आपने बात की सर्टिफिकेट की, तो क्या जुम्बा में ऐसा सर्टिफिकेट आता है? हाँ, ऑब्वियसली जुम्बा में सर्टिफिकेट आता है, विदाउट सर्टिफिकेट आप क्लास नहीं कर सकते। तो वो किस तरह से मिलता है सर्टिफिकेट, उसके लिए क्या करना पड़ता है? सर्टिफिकेट के लिए 3 दिन का कोर्स होता है। 3 दिन के कोर्स में आपको कई सारी मेथड और वो सब सिखाया जाता है और वो मेथड को फॉलो करना पड़ता है। और इनके लिए एक ऐप होता है, जैसे ऐप एप्लीकेशन होती है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है तो ही आप वो यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट जो जुम्बा ट्रेनर नहीं है वो ये एप्लीकेशन यूज़ भी नहीं कर सकते। और मार्केट में जो आप यूट्यूब पे जो सॉन्ग्स देख रहे हो जुम्बा के, जो सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स जो यूट्यूब पे है वो सॉन्ग्स पुराने सॉन्ग्स हैं, सालों से चलते हुए। अभी जो नए सॉन्ग्स हैं वो आपको कभी आप देख ही नहीं पाओगे। आप जो जिन है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, उनके पास ही आप देखोगे ये नए नए सॉन्ग्स। आपने बताया मेथड है, तो कौन कौन सी मेथड होती है जुम्बा में? जुम्बा में फ्लेवर होती है, सालसा, हिप हॉप, भांगड़ा, सब डांस की फ्लेवर होती है, पर उसमें डांस नहीं होता, स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स होते हैं, हाँ। It basically Zumba is depend upon steps only. Yeah, only steps. फिर क्या होता है, एक महीना आपने Zumba class join किया, उसके बाद आप अपने आप को इतना strong और steps में आप इतना हो जाओगे ना कि नहीं मुझे सारे steps, song बजते ही आप steps चालू कर दोगे, तो धीरे धीरे उसमें भी variation आएगा, body move हो अपने आप ही मूव होएगी। जैसे कि म्यूजिक स्टार्ट होता है, अपने आप जितना जितना स्वेटिंग होएगा, पसीना होएगा, और आप ज्यादा करोगे आफ्टर और जुम्बा क्लास के बाद, आप 500 ग्राम रिड्यूस पाओगे। आप गुजरात की बहू हो, आप गुजरात की सॉरी बेटी हो, तो आपको मैंने जब देखा है कि आप वो सरसाना डॉम सूरत का है, वहाँ पे आप हर टाइम पे जज पे जाती हो, तो वो कैसे आप उन लोगों ने आपको कैसे सिलेक्ट कर लिया एज अ जज? एक्चुअली बेसिकली मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी तब से मैं गरबा में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, और 3 साल की थी तब से ही मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिलते थे, स्टेज परफॉर्मेंस भी मैंने कई दिए हैं यहाँ पे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, इतने सारे प्राइज़ मिलते गए, पेपर्स में एवरीडे फ़ोटोज़ भी आते रहे नवरात्रि के दौरान। पर एक दिन ऐसा आया कि ज्यूरिंग मेंबर्स ने ही मुझे बोला कि मैडम अभी आप बंद कर दो, क्योंकि दूसरे पार्टिसिपेंट को भी हमें इनाम देना है, अगर आप आ रहे हो तो सब लोग डर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये छोड़ दो और आप ज्यूरी में आ जाओ। तो फिर आप एज अ जज, आपको कौन कौन सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बहुत सारी क्राउड आता है सरतान और गरबा तो गुजरात के है, तो आपको किन किन टिप्स को ध्यान में रख के उनको जज करना होता है? एक्चुअली जज में बहुत सारी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सरसाना ऐसी डोम, ऐसा पिलरलेस डोम है जो एशिया का नंबर 1 डोम है, तो सूरत वाले को तो प्राउड करना चाहिए कि ऐसे डोम में गरबा खेलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा बड़े बड़े डोम होते नहीं हैं, और एशिया का नंबर 1 डोम है जहाँ पे हिरेन काकड़िया, आशीष काकड़िया ऑर्गेनाइज करते हैं, इतने सालों से वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दे आर वेल प्लानर, दे आर वेल मैनेजेबल पर्सन, एंड मैंने तो देखा है यहाँ पे आके, सूरत में आके, कि जो हॉस्पिटैलिटी वो लोग देते लड़कियों को, रात को 2-3 बजे जो घर पे जाती है लड़कियाँ, एकदम फ्रीडम से जाती है, कोई वल्गारिटी नहीं, कुछ नहीं, एकदम जो हॉस्पिटैलिटी है उन लोग का, एम्बुलेंस की जो
वो लोग सेवाएं देते हैं बाहर, डॉक्टर का टीम होता है वहाँ पे, किसी को जो भी इंजरी हो तुरंत आ जाते हैं, वो सब देख के तो मुझे लगता है कि गुजरात और सूरत का नवरात्रि दी बेस्ट है। और रही बात कि कैसे जजिंग करने में कैसी डिफ़िकल्टी होती है, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज ये फ्लेवर जो है गुजरात का फ्लेवर है फोक डांस, तो नज़ाकत तो सब लड़कियों में है और सूरत की लड़कियाँ तो माय गॉड सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। और चनिया चोरी में तो अलग ही लुक आता है उन लोग का, और पार्लर्स में सब रेडी होके आते हैं तो यू नो ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं अदा, पहले तो अदा विथ सॉन्ग्स एक एक बीट पकड़ के करना डांस, गरबा करना, तो वो नज़ाकत, वो अदा, वो ब्यूटी, जो नज़ाकत के साथ जो ब्यूटी आती है अंदर, सोल ब्यूटी जो बोलते हैं, वो हम लोग देखते हैं पहले तो। फिर उन लोग का वेरिएशन देखते हैं और काफ़ी सारे होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोग देखते हैं, पर वो बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब जजिंग करना एक्चुअली, पर मज़ा भी आती है, सबको देखना अच्छा भी लगता है, जो जो अच्छा करते हैं तो ऐसा लगता है बस खड़े होके ये बंदी को ही देखते रहे, ये लड़के को ही देखते रहे, मज़ा आती है। सो नाइस एक्सपीरियंस। अब हाल ही में एक दो दिन पहले आपको पुष्कर में मिसेस वेस्ट इंडिया और मिसेस इंडिया वर्ल्ड लेवल पे आपको नवाजा गया है, तो वहाँ तक आप पहुँचे कैसे, पहले तो पहले वो बताइए। आपने ये बात की मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए। आपको आपको लगा, ऐसे क्यों लगा कि ये फील्ड में आगे जाना चाहिए और आपने वहाँ वही जगह पे जाना चाहिए, ऐसा आपको विचार कैसे आया? एक्चुअली बेसिकली आई एम अ ज़ुम्बा ट्रेनर और हर कोई मेरे यू नो ज़ुम्बा क्लास में आता है तो मुझसे बहुत प्रेरित होता है बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव वूमन पहले तो मेरी पॉजिटिविटी देख के, और पहले तो किसी को लगता नहीं कि एक बच्चे की माँ है, फिर सबको पता चलता है तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि तू कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा, तू कोई ब्यूटी को तेरे में इतना कॉन्फिडेंस पावर है तो तू क्यों नहीं जाती ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। तो मैंने बोला अभी नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ, मुझे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना नहीं है। पर एक बार ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू एक बंदी ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि आप क्यों नहीं जाते, मैडम मैं आपकी वेल विशर हूँ, आप क्यों नहीं जाते। तो उसने इतना बड़ा लंबा पैराग्राफ मेरे लिए लिखा था कि आप में ये एबिलिटी है, आप ये है, आप क्यों नहीं जाते। तो मैंने इस चीज़ पे कभी गौर किया नहीं क्योंकि मैं अपने रूटीन लाइफ में बहुत बिजी हूँ। फिर एक बार ऐसा आया कि एक सहारा, जो बॉम्बे में सहारा होटल सहारा स्टार है, वहाँ पे ऑडिशन थे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के। तो मेरी एक जो कलीग थी उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुझे जाना ही है, अगर तू ना बोलेगी ना तभी तुझे यहाँ पे जाना है, एक बार ऑडिशन देखे तो हाँ क्या क्या है, सिलेक्ट होएंगे नहीं सिलेक्ट होएंगे, एक बार आप जाके तो आइए मैडम। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ऐसे ही सैटरडे संडे आ रहा था और मेरा वीकेंड भी था और मैं घर पर ही थी, तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं। तो ऑडिशन था, तो ऑडिशन मैंने दिया, 3 राउंड का ऑडिशन था। ऑडिशन में मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा फिजिकल लाइक पूरा बॉडी लैंग्वेज पूरा उन्होंने देखा, मेरा स्पीकिंग स्किल्स उन्होंने देखा। तो वो लोग ने बोला चलो मैडम ठीक है, आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गए, सेकेंड राउंड आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर सेकेंड थर्ड राउंड के लिए वापस कॉल आया कि अब सेकेंड थर्ड राउंड है और आपको आना है। तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं। तो फिर मैं गई क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस था, मेरी फील्ड फिटनेस फील्ड से थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, तो मैं चली गई वहाँ पे। तो जाने के बाद थोड़ा कैटवॉक किया, राउंड था तो कैटवॉक किया, और फिर मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरी बच्ची के बारे में, कितने साल की है, मेरा जिन का जो ज़ुम्बा का सर्टिफिकेट था उन लोग ने वो सर्टिफिकेट मांगा, मेरा इंटरव्यू लिया, मैं कितना सोशल मेरा क्या है वो सब उन्होंने चेक किया, मेरा प्रोफाइल चेक किया। और 3-4 इंटरव्यू के बाद 6 महीने पहले मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी, मैंने बोला अभी हम सिलेक्ट हुए ही नहीं है। पर वापस मुझे कॉल आया कि दिल्ली से कॉल आया कि मैडम आप सिलेक्ट हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सिलेक्ट हो। मैंने बोला भाई कौन सी चीज़ का कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो। बोले आपने जो ऑडिशन दिया था सहारा स्टार में आप उसमें सिलेक्ट हो गए हो। तो एकदम तो मैं पहले तो शॉक थी, मैंने बोला सीरियसली। बोले हाँ आप सिलेक्ट हो मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्यों खुश नहीं हो। बोले कितनी सारी आपके साथ लड़कियाँ थी उसमें से आप फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट हुए, बॉम्बे से हमने 3 लड़कियां ली है उसमें आपका नाम है। बोले चलो ठीक है। तो ऐसे हम सिलेक्ट हो गए। फिर आप वहाँ गए तो कौन से किस तरह का वहाँ पे आपको परफॉर्म करना था, क्या पूरी प्रोसीजर क्या थी, 2 दिन आप वहाँ रहे क्या? नहीं, 2 दिन मैं नहीं थी, मैं वहाँ पे 6 डेज के लिए थी। 6 डेज के लिए? 6 डेज के लिए थी। तो वहाँ पे उन्होंने हमारा ग्रूमिंग का ट्रेनिंग दिया,
वहाँ पे सिलेक्ट हो गए. सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने ही हमें बोला था कि आप, हाँ मतलब 25 स्टेट से सब लड़कियाँ आई थी और उन्होंने अपना ग्रूमिंग खुद ही, मतलब सब लोग ने बोला वहाँ से जो थे इवेंट वाले जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो वहाँ पे जो जो स्टेट में जो लड़कियाँ थी वहाँ से उन्होंने ग्रूमिंग दिया. पहले तो एक महीना ग्रूमिंग का प्रोसीजर चला, फिर प्रोसीजर के बाद जैसे हमारा डेट नज़दीक आने लग गया तो उन्होंने हमें यू नो प्रिपेयर करने लग गया कि आपको ये सब चीज़ लेके आपको ये आना है, ये प्रोसीजर है करके. फिर फाइनली जब डेट आई तो ईमेल्स आते थे, हम एवरीडे ईमेल्स चेक करते थे, पर हमें एंड मोमेंट तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना था कि कौन सी लड़कियां हैं, क्योंकि काफ़ी क्या करते हैं, देख लेते हैं ये लड़की है, फिर उनका प्रोफाइल चेक कर लेते हैं और पूरा जानकारी ले लेते हैं, तो वहाँ पे खिचड़ी पकती है. तो उन्होंने पहले ग्रुप बनाया नहीं. एंड टाइम पे जब हमारे फिफ्थ डे का हमारा जर्नी था, तो जब हम लोग पुष्कर पहुँचे उसके दो दिन पहले ही उन्होंने ग्रुप बनाया कि ये लड़कियां हैं. तो पहले तो मैं व्हाट्सएप का ग्रुप देख के ही मैं तो हैरान परेशान हो गई, सबका डीपी देख के कि सारी लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल थी. और फिर हमने सब चेक किया प्रोफाइल, तो माय गॉड, कोई इंस्पेक्टर था, कोई आईएएस ऑफिसर था, कोई वीज़ा ऑफिसर था, कोई मोटिवेशनल स्पीकर था. तो मैंने बोला भाई अपना नंबर तो कट गया. तो चलो ठीक है, पर अभी जाना है तो जाना है. सिलेक्ट हो गए यहाँ तक, तो वहाँ पे जाके आते. तो वहाँ पे मैं पुष्कर में 3-4 किलोमीटर दूर एक पैलेस है, आराम बाग रिसोर्ट जो पैलेस है वहाँ पे हमारा था. बहुत लेविश है वो पैलेस, देख के मैं तो एकदम यू नो अपने आप को फील कर रही थी कि वाह ये पैलेस में हमारा शो होने वाला है करके. फिर मेरी जो रूम पार्टनर थी जो अरुणाचल प्रदेश से थी, बिलोंग करती थी, वो मेरी रूम पार्टनर थी, शी लुक सो ब्यूटीफुल और 3 बच्चे की माँ थी वो. ओ माई गॉड, सो थिन. मैं तो देखती रह गई. मैंने बोला अरे भाई ये लड़की आ गई और एक लड़की ऐसी है तो सारी कंटेस्टेंट कैसी रहेगी. 32 कंटेस्टेंट थी, तो मैंने बोला सारी कैसी रहेगी. फिर मैंने उनको पूछा आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा इंस्पेक्टर हूँ और वहाँ के जो जनरल मतलब लोकल में वो एक्ट्रेस थी, उनका अभी कैपिटल मूवी भी आने वाला है, वो खुद ही एक्ट्रेस थी और कमिश्नर भी थी, वो अपने होद्दे पे वो काफ़ी थी वो, और 3 बच्चे की माँ थी. तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, अभी आ गए हैं तो अभी करके ही जाना है, कुछ तो कुछ हासिल करना ही. एक जोश था. हाँ, पर एक बात थी, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, पर मेरे पापा मेरे साथ आए थे, एवरी डे मुझे यही कर रहे थे बेटा कुछ भी हो आपको ये आप ही जीतने वाले हो. जो वो कॉन्फिडेंस था वही आज मुझे ये मुकाम पे उन्होंने पहुंचाया है. अगर चालू से आखो पछि त्यां सू था. हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली हमारा जर्नी ऐसे था कि जो मेरे साथ मेरी रूम पार्टनर थी, तो रूम पार्टनर थी ये एक्चुअली मेरे लिए जीतना हारना तो मेरे लिए है ही नहीं, जीतना और लर्निंग लेसन है. जीतना और लर्निंग लेसन, हार जीत तो है ही नहीं, हार जीत ये कायम चीज नहीं है. और मेरे साथ जो लड़की थी, मुझे पता चला दो दिन, एक दिन वो आई और एक रात को वो एकदम से रोने लग गई. मैंने बोला क्या बात है, क्यों रो रही है? तो बोले मेरे चाचा एक्सपायर हो गए और मैं ये शो छोड़ के जा रही हूँ. मैंने बोला अरे तू ये इतनी मुश्किल से, एक तो हम सिलेक्ट हुए और ये शो छोड़ के जा रही है तू? बोले नहीं, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं आँख बंद कर रही हूँ, मेरे चाचा को देख रही हूँ, मेरे पापा है नहीं तो मेरे चाचा ही थे जो मेरा सब कुछ करते थे और एकदम से एक्सपायर हो गए, मुझे जाना है करके. फिर ऑर्गेनाइज़र से बात किया कि जाना ये बंदी को, तो ऑर्गेनाइज़र ने बोला कि बेटा देख जो होना था वो हो गया, आपके जाने से चाचा ना वापस आने वाले हैं. चाचा का अभी तो सपना था कि आप कुछ तो हासिल करके आओ, आपकी लाइफ का ये गोल है. चाचा ने भी तो आपको बड़े यू नो एक गर्व से आपको जाने दिया, एक प्राउड था आपके ऊपर, तो क्यों नहीं अभी और कॉन्फिडेंस के साथ आप ये जो कंपटीशन है आप उसको पूरा करो. तो उसमें एक पावर आ गया कि नहीं चलो अभी करना है तो करना है. फिर मैंने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई. दूसरे दिन मैडम मुझे पता चला कि ये बंदी को ब्लड कैंसर है. यस, वो जो लड़की थी मेरे साथ 5 दिन मेरे साथ थी, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन पता चला कि ब्लड कैंसर है और उसका 4 साल का बेटा था. कैन यू इमेजिन, 4 साल का उसका बेटा, 7 साल का बच्चा, 12 साल की लड़की, 30 साल की उम्र, ब्लड कैंसर, और चाचा एक्सपायर हो गए
ओह माय गॉड, मैं आपको ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे गूज बम्स खड़े हो गए। मुझे फिर मैंने मन में ठान लिया, मैं बनूँ या ना बनूँ पर ये बंदी तो ज़रूर बननी चाहिए, ये टाइटल ये बंदी को ही मिलना चाहिए। फिर मेरे पापा ने बोला, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं भूमिका का पापा हूँ, आज से मैं तेरा भी पापा हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं। तो वो बंदी के आंख में आंसू आ गए। बंदी ने बोला कि आज तक लाइफ में मुरे को इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी जितनी आप दोनों ने दी है, तो हारना तो फिर मैंने छोड़ ही दिया कि नहीं, अगर मैं हारती हूँ तो मैं हारती नहीं हूँ, ये मेरे लिए लर्निंग लेसन है। ये लड़की ब्लड कैंसर सर्वाइवर, ब्लड कैंसर, उसको पता ही नहीं है ज़िंदगी में उसके कितने दिन हैं, और वो बंदी अपने 4 साल के बच्चे को छोड़ के यहाँ पे आई है ये कॉम्पिटिशन के लिए। तो मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है कॉम्पिटिशन। फिर मैंने बोला कि नहीं चलो अभी करना है, यहाँ से कुछ सीख के जाना है। वैसे 32 कंटेस्टेंट थी, 32 की अलग अलग स्टोरी थी, मेरी अपनी तो कुछ स्टोरी नहीं थी वहाँ पे, मेरी अपनी कुछ, क्योंकि मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं किया। जो स्ट्रगल किया है शादी के बाद, बच्चे आने के बाद, वो हर कोई करता है ना, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। बच्चे आने के बाद यू नो, एक बेटी बेटी का किरदार निभा रहे हो आप, माँ का निभा रहे हो आप, किसी की बहू का निभा रहे हो आप, किसी की वाइफ का किरदार निभा रहे हो, वो तो हर एक की लाइफ में ये पार्ट आना है, तो वो स्ट्रगल नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ यू नो। पर मैंने जो 32 कंटेस्टेंट का अलग अलग जो एक्सपीरियंस मैंने देखा, ओ माय गॉड। फिर एक दूसरी बंदी थी, दूसरी बंदी का एक्सपीरियंस ये रहा कि वो बंदी की मम्मी 59 ईयर्स में उसने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों किया? अपनी लड़की की वजह से किया, जो लड़की यहाँ पे पार्टिसिपेंट बन के आई थी। मैंने बोला कि आपकी वजह से सुसाइड क्यों किया मम्मी ने? तब जाके उसने अपनी स्टोरी बनाई, हमें सुनाई कि उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, और उसने बोला कि हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो फिर ऑब्वियसली क्या होता है ना, अपने अपने यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं 30% तो ऐसा है कि शादी के बाद लड़कियों को कुछ करने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। पर एक्चुअली में ये गलत है, अपने आप में एक मुकाम हासिल करना पड़ता है, एक स्टैंड तो लड़की को लेना ही पड़ता है, क्योंकि आज के जनरेशन में ना लड़का ना लड़की कुछ नहीं है, सब एक समान है। तो वो लड़की ने बोला कि एक्सपायर हो गया, तो वो अपनी मम्मी के घर पे चली गई। उसको दो भाई थे, दो भाई में एक भाई न्यूजीलैंड था और दूसरा भाई इंडिया में था, तो उसके पास वो रह रही थी। दो भाई में से एक भाई के पास रह रही थी, तो इतना 2 महीने तो अच्छा रखा, फिर 3rd महीने से नाटक शुरू। बोले आप अभी आप अपना कुछ करो, ये करो, और लात मार के वो बंदी को निकाल दिया घर से। और लात मार के जो निकाला बंदी को, वो उसकी माँ सह नहीं कर पाई, और उसकी मम्मी ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया कि आज जाके मैंने बच्चे को इसीलिए पैदा किया था कि कल जाके कुछ भी हो, मेरी बेटी हो तो मेरा बच्चा उसका सहारा बनेगा, और बच्चे ने ही लात मार के लड़की को निकाल दिया, तो माँ ने उसी टाइम सुसाइड कर लिया। तो वो बंदी ने बोला कि लाइफ में मैं पॉजिटिव चीज मानती हूँ कि मेरे भाई ने मुझे लात मार के निकाला, तो आज मेरे घर पे एक जो चम्मच भी है, स्टील का चम्मच, मेरा खुद का कमाया हुआ है एक स्टील का चम्मच, और आज गाड़ी, खुद का घर, अपने पैसों का है, तो मैं पॉजिटिव लेती हूँ। फिर रिग्रेट मुझे यही बात का है, आज मेरी माँ ने मेरी वजह से सुसाइड किया। तो आज हारना जीतना तो मेरे लिए कुछ था ही नहीं, कि ये सब जो कंटेस्टेंट थी उनकी जो खुद की अपनी जो स्टोरी थी, और जो अपने आप में जो क्वालिफाइड लड़की थी, मेरा क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं था, जीरो। और मैंने यही देखा कि अपने जो गुजरात की, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सूरत में है, गुजरात में है, तो अपना इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं रहता यू नो, और बाहर की जो लड़की आई थी इतना फ्लुएंटली इंग्लिश में बोली जा रही थी, मैं देख ही रह गई। मैंने बोला ओह माय गॉड, सो सॉफ्टली यू नो, तो मुझे लगा कि अरे अपना पत्ता तो यहाँ पे कट गया। फिर मैंने बोला चलो यहाँ तक आए, देखते देखते फिर हमारा 3rd डे ग्रूमिंग राउंड स्टार्ट हुआ। हम लोग को यू नो ग्रूमिंग सेशन देते गए, तो ग्रूमिंग सेशन में सानिया सोनी करके थी बंदी, जो जिन्होंने हमारा ग्रूमिंग सेशन लिया, जो फिलहाल सेलिब्रिटी में, कहीं सेलिब्रिटी को उन्होंने ग्रूमिंग सेशन दिया है, लारा दत्ता है, नेहा धूपिया है, जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स में जो लेती है, वो हमारे कॉम्पिटिशन में भी उन्होंने लिया। वो बंदी का जो एटीट्यूड था, जैसे ही वो वॉक करके आई, पहली ही बार वो जैसे ही हमारे हॉल में जो वॉक करके आई, उसका जो ओरा था, आज भी मुझे वही फील है, मैं आपके सब सामने जो बातें कर रही हूँ, मुझे वही फील और वही मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो बंदी का जो सही था उनका एटीट्यूड,
द वे शी टॉक, द वे शी इज सो प्रेजेंटेबल. उसने बोला कि आपको अपने बारे में पहले तो इंट्रोड्यूस करो कि आप क्या हो, कहाँ से आए हो. तो सबने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया. जो माइनर जो चेंजेस है बॉडी लैंग्वेज, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बात करनी, जो उसने हमें सिखाया एक बच्चे की तरह, एक माँ की तरह, जो उन्होंने हमें नॉलेज दिया, आज मैं अपने आप को खुद एक नई भूमिका के रूप में देख रही हूँ. जो पहले की जो भूमिका थी और अभी जो भूमिका मैंने जो पाई है, शायद मेरे माँ बाप ने मेरा नाम भूमिका इसीलिए रखा होएगा, मैं ऐसा मानती हूँ. अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि जो आज मैं अपने आप में जो नई भूमिका देख रही हूँ, वहाँ पे ग्रूमिंग सेशन में मैंने जो अपने आप में चेंजेस देखा है, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मेरे लिए. फिर धीरे 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 हमारा सुबह 5 बजे का वेकअप कॉल होता था. 5 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आता था कि 5 बजे आपको उठना ही है और 5:10 बजे आपको रिसेप्शनिस्ट पे पहुंचना है. तो 5:10 बजे, क्योंकि उनके भी मार्क्स थे, 5 दिन का जो था मार्क्स, ऐसे नहीं कि फिनाले वाले दिन ही आप जो परफॉर्म करोगे तो वही आपका यू नो होएगा, नहीं. 5 दिन में आपका व्यवहार कैसा है, आप किसी का साथ कैसे बात करते हो, आप शेयरिंग हो, आप कैरिंग हो, आप हम्बल हो, यू नो, ये सब आप वहाँ पे चेक होता है. आपके सराउंडिंग जो पीपल रहते हो, सब आप इवेंट वाले जो पीपल रहते हैं, काफ़ी ग्रूमिंग से जो आते हैं, वो आपको चेक करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बातें करते हैं. वो उनका ऐसा नहीं है कि वो इधर देख रहे हैं, इसके साथ बातें कर रहे हैं तो आपको नहीं देख रहे, पर वो आपको ही देख रहे हैं, आपको वो नोटिस कर रहे हैं. तो फिर हम लोग का 5 बजे का वेकअप कॉल था. हम 5 बजे उठ जाते थे और 5 बजे से रात को 11 बजे तक हमारा बैक टू बैक सेशन चलता है. कोरियोग्राफी चलती है. हाउ यू वॉक, पहले तो हमें बोला आप कैसे चलते हो, किसने मॉडलिंग किया है, तो मैंने तो हाथ खड़े किए कि भाई मैंने तो मॉडलिंग किया है. तो बोला आप वॉक करके दिखाओ, तो मैंने वॉक करके दिखाया. तो मैंने बोला, हमने बोला मैंने तो अच्छा वॉक किया है. तो फिर पता चला जब वो बंदी ने वॉक करके दिखाया, माई गॉड, जो चित्ते की तरह एकदम जो वो चली है, उसने वॉक करके दिखाया. तो मैंने फिर अपने आप को बोला, मैडम ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, हाँ क्योंकि यहाँ पे एक से एक जन है. तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है. फिर वहाँ पे भी मैंने अपने आप को एक यू नो एक पॉइंट पे मैंने अपने आप को बोला, मेरी अंदर की आत्मा बोली कि भूमिका ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना चाहिए, यू नो. तो मुझे ये एक चीज़ सीखने को मिली. फिर अपने आप को फिर वापस मैंने कॉन्फिडेंट किया, एक पावर मुझे मिला कि चलो ठीक है. फिर उन्होंने हमें वॉक का ट्रेनिंग दिया. ना ज़्यादातर हम लोग ग्लैमर वर्ल्ड में देखते हैं कि रैंप वॉक ऐसे होता है, रैंप वॉक वाली लड़की ऐसे करती है, ये करती है. तो अपने गुजरात में क्या है कि ये सब चीज़ों को अच्छी नज़र से नहीं देखते. तो मुझे ये सब चीज़ों, ऐश्वर्या राय है ना, सुष्मिता सेन है, सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स है. तो पहले यू नो मेरे माइंड में भी ऐसा था, पेज 3 लाइफ है, मैं बॉम्बे में कहीं पेज 3 लाइफ को देखती आ रही हूँ. सी वो उनका सेकेंडरी थॉट है, उनको जो करना है उनकी पर्सनल लाइफ में है. पर उन्होंने जो अचीव किया है लाइफ में, आज ऐश्वर्या राय है, उसने 3 अनाथ बच्चे को सहारा दिया है. तो 3 अनाथ बच्चे को सहारा देना मामूली बात नहीं है. अपना बच्चा हो और सहारा दो अलग बात है, दूसरे के बच्चे को माँ बन के इन फ्यूचर पूरा फ्यूचर तक माँ बन के उनको सहारा देना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है. तो मैंने वॉक किया, इतनी हील्स पहन के वॉक करना, मेरे पैर में छाले पड़ गए. पूरे दिन वो ही वॉक करो वॉक करो, एक बार मिस्टेक हुई दूसरी बार वॉक करो ये करो. फिर मैंने बोला चलो ठीक है, ये वॉक का सेशन तो आ गया अपने को. फिर था क्वेश्चन आंसर राउंड. तो क्वेश्चन आंसर राउंड में तो ये था कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ऑन दी स्पॉट आपको आंसर देना है, और आंसर आपको ऐसा देना है कि 20 सेकेंड में ख़त्म करना है, और आंसर ऐसे भी देना है कि जस्टिफाइड करना है. आंसर को आपको पूरा जस्टिफाइड देना है कि ज्यूरी को लगे कि नहीं कि उसने बराबर आंसर 20 सेकेंड में कंप्लीट किया है. तो चलो मेरा टैलेंट राउंड में भी मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे अपनी वॉक पे भी जो ग्रूमिंग में हमें जो सिखाया था तो उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ गया. पर जो डाउट था आंसरिंग राउंड में, QA राउंड यानी क्वेश्चन आंसर राउंड में, बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको पूरे यू नो एकदम स्ट्रॉन्ग देना है. या तो हिंदी में दो या तो इंग्लिश में दो, हिंदी इंग्लिश मिक्स मत करो. तो उसमें बहुत सारा मुझे डर था, वो क्वेश्चन आंसर राउंड का ही मुझे डर था. पर फाइनली जाके मैंने वो
पता नहीं मेरा नसीब काम किया या मेरा खुद का कॉन्फिडेंट था, मेरा खुद का पावर था कि मैंने आंसर भी इतना अच्छे से प्रेजेंट किया कि वो लोग बहुत खुश हो गए. और वहाँ पे जो गेस्ट बैठे थे उन्होंने मुझे तालियों से नवाजा, तो मेरे लिए अपने आप में बहुत अचीवमेंट था. ये चीज़ मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकती. उन्होंने मुझे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड में, मैडम मुझे क्वेश्चन पूछा था, फिनाले राउंड था हमारा, पहले साड़ी राउंड था. क्योंकि हाँ मैं ये बात बताना भूल गई कि जो पैलेस में था हमारा शो इतना लेविश था कि वहाँ के जो अभी अभी के पीढ़ी के ये जनरेशन के जो किंग और क्वीन थे उन्होंने मुझे क्राउन से नवाजा. यू नो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो उनका पूरा रजपूते थे, मेवाड़ के थे वो लोग, और उनका ही पैलेस था. मेरे पापा खुद मेरे साथ थे और पापा को देखा तो उन्होंने बोला कि आप अच्छा आपकी बेटी के लिए आप यहाँ से यहाँ तक आए हो, यहाँ पे यू नो क्या पुष्कर में मेला है तो ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री से भी सब लोग आते हैं, ज़्यादातर फॉरेनर आते हैं तो उन लोग को नॉनवेज भी रखना पड़ता है, तो वी आर वेजिटेरियन. तो पापा कुछ खाते नहीं थे, पापा बैठे थे, बोले उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस किया वहाँ पे कि अब हम देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ खा नहीं रहे. फिर पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इसीलिए मैं नहीं खा रहा. उन्होंने खुद जाके मेरे पापा को अपने किचन में लेके गए और बोला ये हमारा जैन किचन है, नॉन जैन किचन है, और ये हमारा जो है वो नॉनवेज किचन है. तीन किचन अलग अलग है, आपको जो चीज़ चाहिए जो खाना है बिंदास अपना घर समझ के खुद को पकाना है या मेरे कोई स्टाफ में से कोई बंदे को बुला के पकाना है आप यहाँ पे कर सकते हो. आज जो वहाँ के किंग है पुष्कर के अजमेर जो किंग है उन्होंने खुद ये बात मेरे पापा को बताई. हाँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मेरे पापा वहाँ पे यू नो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरी बेटी की वजह से मैं ये दिन देख रहा हूँ. प्राउड मोमेंट, प्राउड मोमेंट. आज मेरा पहले से ही यही सपना था कि मैं कुछ अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊँ. तो आज मेरा जो ड्रीम है तो मेरा ये ड्रीम आज मैंने पूरा किया. ड्रीम तो बहुत सारे रहते हैं ऐसा नहीं है, पर एक जो ड्रीम एक जो बड़ा मुकाम हासिल करना होता है आज मैंने वो मुकाम हासिल करके मेरे माता पिता की आंख में जो मैंने गर्व महसूस किया आज वो गर्व मुझे आगे फ्यूचर में आगे ही बढ़ाएगा. मैं अभी कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं वाली, बस मुझे अभी आगे ही बढ़ना है. रही बात क्वेश्चन आंसर की राउंड की बात, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड थे और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे कि 2000 की नोट में, 2000 की नोट में अगर आपको गांधी जी की जगह पे किसी और का फोटो रिप्लेस करके आप कौन सा फोटो रखोगे, ऑन दी स्पॉट आपको कैसे आएगा. अगर आपको दो मिनट अगर आपको दी जाए तो आप अच्छे से उसको जस्टिफाइड कर पाओगे, ऑन दी प्रेजेंट कर पाओगे, आपके पास तुरंत क्विक आंसर, यू नो क्विक आंसर आप कैसे दोगे. 2000 की नोट में गांधी जी के अलावा मैं किसको देखूं. तो एक लड़की ने बोला कि मैं अपने खुद को देखूंगी, तो वो वहां पे ही रिजेक्ट हो गई कि खुद को कैसे देखे. आपने ऐसा कोई काम तो किया नहीं है, आप नरेंद्र मोदी नहीं हो, आप मदर टेरेसा नहीं हो. तो ये बहुत, वो लड़की भी अच्छे यू नो क्वालिफाइड लड़की थी, पर अच्छे अच्छे आके स्टेज पे ना डाउन हो जाते हैं. हाँ तो वही कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड. वहाँ पे आप अपने आप को 100% देना पड़ता है वहाँ पे. तो वही चीज़ यू नो मेरे लिए बहुत बड़ी थी. और मुझे पूछा गया क्वेश्चन था मेरे लिए कि पहले ग्रूमिंग राउंड में मुझे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, प्रैक्टिस में पहले से आपको क्वेश्चन देते नहीं है वो लोग, ऑन दी स्पॉट ही आपको देते हैं, पर यू नो प्रैक्टिस चल रही थी रैंडमली. तो मुझे ये पूछा था कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से एक दिन मिलने का मौका मिले तो आपका सवाल क्या रहेगा मोदी जी को. तो मैंने अच्छे से बोला कि नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि नरेंद्र, पहले तो मेरा सद्भाग्य होएगा कि मैं नरेंद्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठी हूँ और उनको सवाल पूछ रही हूँ. मैंने ये बोला उनको कि नरेंद्र मोदी जी को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इंडिया को मान सम्मान जो दिया, आज विदेश के लोग जो इंडिया वाले को इज्जत से देख रहे, रिस्पेक्टफुली जो देख रहे हैं, आपने ये अच्छे दिन तो ला दिए, पर दुनिया में इंडिया नंबर वन कंट्री पे कब आएगी, वो अच्छे दिन कब आएंगे. तो सबने वहाँ पे जो बैठे थे कंटेस्टेंट साहब सबने वहाँ पे क्लैपिंग किया और बोला ये ऑन द स्पॉट यू नो क्विक
आंसर आना भी एक बड़ी बात है। तो ये स्किल मेरे में, मुझे तो पता नहीं थी कि स्किल मेरे में है, पर जो मेरे स्टूडेंट्स लोग थे तो बोलते मैडम ये बात आप में है, ये बात आप में है, तो ग्रूमिंग राउंड में मुझे पता चल गया कि नहीं ये बात मेरे में है। पर टेंशन था फिनाले में कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। फिनाले का टाइम था, फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, सेकेंड राउंड अच्छे से हो गया, थर्ड राउंड यू नो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरा थर्ड राउंड भी हो गया। फिर आया क्वेश्चन आंसर राउंड। फिनाले राउंड में जब मेरा आया कि नंबर नाइन स्टेज पे आइए, जो था डर था फिनाले राउंड का ही था। और नंबर नाइन को जैसे स्टेज पे बुलाया, मैं स्टेज पे गई और सानिया मैम ने मुझे क्वेश्चन पूछा, हाउ यू फील राइट नाउ। मैंने बोला मैडम आई फील वेरी एक्साइटेड बट लिटिल बिट नर्वस। बोले वी आर नॉट अ मॉन्स्टर कि आप नर्वस फील कर रहे हो। मैं कुछ बोली नहीं। फिर उन्हें बोला आपका इंट्रोडक्शन दो। मैंने बोला माई नेम इज़ मुमिका मोदी, आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि आप एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है ये हमने सुना है, पर कामयाब पुरुष से एक औरत को क्या सीखना चाहिए। जैसे जैसे सवाल वो पूछती थी वैसे वैसे टेंशन बढ़ रहा था। मैंने बोला बहुत भारी सवाल है, अब इसका आंसर दूँ क्या। तो फिर मैंने स्टार्ट किया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसे ही मैंने उनको बोला ना, तो थोड़ा यू नो अपने आगे थोड़ा यू नो कुछ बोलते हैं ना तो पीछे क्लिक होता है कि अपने को ये बोलना है। तो मैंने बोला थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओह फिर मैंने उनको बोला कि ओह नाइस क्वेश्चन। तो फिर मुझे पता चला कि एक औरत होती है जो औरत ही ये सृष्टि का सर्जन कर सकती है, तो उसमें बहुत पावर है। औरत ही बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है अपने आप में, पर एक चीज़ जो है कि वो उसमें बहुत इमोशंस है, यू नो 90% औरतें ना बहुत इमोशंस, जल्दी रोना आ जाता है उनको, ठीक है। तो एक पुरुष से हमें ये सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने आंसर ये दिया कि एक पुरुष से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी अपनी आँखों में आंसू नहीं लेने देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को अपनी कमज़ोरी कभी दिखानी नहीं चाहिए कि वो अपना गलत फ़ायदा उठा ले अपना। तो मैंने ये आंसर दिया कि ये कामयाब पुरुष से हमें ये सीखना चाहिए। तो सबने वहाँ पे क्लैपिंग बजाई और बोला ना वेरी गुड आंसर, बोला थैंक यू सो मच। फिर मैं अपनी जगह पे गई, मैंने बोला अरे यार भूमिका तूने आंसर तो बड़ा अच्छा दे दिया, चलो ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज भूमिका मोदी, आई एम फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। हाय भूमिका, हाउ आर यू फीलिंग? Yeah, excited and very nervous, obviously. Don't be nervous, we are not monsters here. We are very sweet people. Okay, my question for you would be, we all say that we learn a lot from women. What do you think, what is the one most important thing women can learn from men? Women can learn from men. Oh, men, see, women are very powerful. But men are also powerful. The men, women are shahansilta, kshamta ki devi hai. But man ek confidential, strong man hota hai, jo kabhi bhi aankh mein aansu nahi lata aur apne aap ko kabhi kamzor sabit nahi karne deta. Bas wo ek mahilaon ko sikhne layak hai ki kabhi bhi hum apne aap ko kamzor sabit na karne de aur kisi ke samne kabhi aansu na aane de ki samne wale apni kamzori ka galat fayda utha de. Wo cheez hame ek purush se sikhni chahiye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. In short, पहुंच गए, अभी देखते क्या होता है। तो फिर वो आंसर देके अपने आप में जो प्राउड फील हो रहा था। हाँ, मैंने स्टार्टअप थोड़ा इंग्लिश में किया, बाद में थोड़ा मैं हिंदी में टर्न हो गई क्योंकि इतनी फ्लुएंसी नहीं थी। बाकी जो कंटेस्टेंट थे पूरा फ्लू मतलब यू नो फ्लो में जा रहे थे, तो अपने गुजरात से बिलोंग करते, इतना घर में भी अपने गुजराती में बात करते हैं, तो इतना फ्लुएंसी बट ऑब्वियसली नहीं आता, चाहे इंग्लिश मीडियम में ही आप क्यों नहीं पढ़े हो, पर इतना नहीं आता। तो फिर मैंने हिंदी में किया, तो वहाँ पे मैं थोड़ा मार खा गई और सेकेंड पोजिशन पे आई।
थैंक यू सो मच. पर मुझे इस चीज का कोई नहीं है, बस मैं आई वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. आपने जैसे मेरा पीछा सुना तो आपको भी लगा होएगा कि नहीं सही है, नहीं आप आई. और मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ, सूरत में यू नो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्रामास किए सूरत से. आफ्टर यू नो शादी के बाद ही मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ. सूरत में यहाँ नवरात्रि में मुझे जूरी में बुलाते रहते हैं यहाँ पे, तो सूरत से मेरा बहुत कनेक्शन है. मैं महीने में 3-4 बार सूरत आती रहती हूँ और आपने मुझे ये मौका दिया मेरे लिए बहुत यू नो गर्व की बात है. थैंक यू. अब आप आगे का प्लान क्या है आपका? मेरा आगे का प्लान है, मुझे वहाँ पे ये सवाल भी पूछा था कि अगर आप ये क्राउन जीत के जब आप वापस अपने स्टेट में जाओगे, यू नो आप गुजरात की बेटी हो, महाराष्ट्र की बहू हो, तो आपका अभी कर्तव्य क्या होता है, आप क्या करना चाहोगे? तो मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म से मैं पहले तो मैं अपने माँ बाप की आँखों में जो एक बेटी का जो सपना होता है, आज दुनिया मुझे मेरे पापा के नाम से नहीं भूमिका के पापा के नाम से जाना चाहिए, वो मेरे लिए एक बड़ी बात होगी. दूसरी बात ये कि मैं अपने प्रोफेशन जुम्बा में आगे बढ़ना चाहती हूँ. और तीसरी बात ये है कि मैं अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट पे मैं अभी काम कर रही हूँ, तो मुझे अभी उसमें ये प्लेटफॉर्म से ये खिताब से स्ट्रांगली मैं काम करूँगी इस चीज पे. क्योंकि मैडम मैं अभी 15 दिन पहले दिवाली के टाइम पे हम लोग ना जैन हैं तो हम लोग नागेश्वर जाते हैं एवरी ईयर, यू नो दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं. तो वहाँ पे एक बच्चा है जहाँ पे एवरी ईयर मैं उनका ट्यूशन फीस और सब हमारे नान पूजा होती है, तो वहाँ पे वो बच्चा है जो उन्हें मैं एवरी ईयर उन्हें ट्यूशन फीस बुक्स और वो सब देती हूँ. तो वहाँ पे मैंने काफ़ी 8, 9, 10, 12 साल की बच्ची को मैंने चूड़ा पहन के देखा वहाँ पे. तो मैंने एक जन को सवाल पूछा कि ये इतनी छोटी छोटी बच्ची ने ये रेड कलर का चूड़ा क्यों पहना है? तो बोले इनकी तो शादी हो गई है. अरे यार, मैंने बोला इतनी कम उम्र में शादी, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं? बोले नहीं, यहाँ पे तो कोई पढ़ता ही नहीं है, कम उम्र में शादी हो जाती है यहाँ पे. तो अभी मुझे पहले तो ये करना है एनजीओ मेरे गुजरात से. मुझे ये इंटरव्यू देख के अगर आपको लगे तो प्लीज़ मुझे प्राइवेट में मैसेज करना जो एनजीओ चला रहा है. मुझे ये नागेश्वर एमपी में जाके पहले तो ये एक प्रोजेक्ट पे काम करना है वहाँ के सरपंच को मिलके कि ये प्रथा प्लीज़ बंद करवाइए, यू नो लड़कियों को आगे बढ़ाओ. पहले तो मेरा ये काम पहले फॉर्मली ये रहेगा, टू बी वेरी फ्रैंक वेरी ऑनेस्टली. आप हमारे दिव्यांग न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहते हो और क्या टिप्स देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ ना अभी के यू नो इस जनरेशन में जो अपनी एज वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, सब लोग ना जंक फूड बहुत खाते हैं. प्लीज़ अवॉइड जंक फूड, क्योंकि अभी जो कैंसर जो इतना बढ़ रहा है, हर हर घर में एक एक जन को कैंसर है. क्योंकि अभी अपने को भी डर लगता है, कुछ होता है रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए जाते तो डर रहता है कि कुछ भी ट्यूमर आया, कैंसर का तो नहीं है ट्यूमर, तो वो डर रहता है. तो वो डर क्यों रहना, अपने आप को आप हेल्दी रखो, एक्सरसाइज करो 45 एज आई एम अ ट्रेनर मैं तो यही बोलूँगी कि 45 मिनट्स आप अपने लिए निकालो. आप अपने लिए निकालोगे, आप जीते किस लिए हो पहले तो मुझे ये बोलो, आप जीना किस लिए, आपका एम क्या है जीने का, कि गोल आपको आपका जो गोल है आपके माँ बाप के लिए, आपके बच्चे के लिए, जो भी सबका डिफरेंट डिफरेंट गोल होता है कि मुझे ये मुकाम चाहिए, मुझे ये मुकाम चाहिए. मुकाम को हासिल करने के लिए पहले हेल्थ तो फिट होनी चाहिए. तो पहले अपने आप के लिए 45 मिनट्स आप निकालिए और दुनिया की फिक्र मत करें. जिसको जो बोलना है ना वो बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे खराब भी बोलेंगे, अपने को जो करना है वो ही करना चाहिए, बस मेरा तो ये कहना है. आप हमारे दिव्यांग न्यूज भवननी दिव्यांग भवननी और हमारा पद्मश्री कनुभाई टेलर ने मुलाकात ली थी, तो आप एमना विषय शूँ कहूँ? सी कनुभाई ने हूँ बहुत रिस्पेक्ट आपू छू. एमनी जो जर्नी है, एमने जो लाइफ में स्ट्रगल करूँ है, मारा हिसाब ए घना बदाना एक रोल मॉडल बनी सक्या छे. नो बनी सक्यानी बात नथी, पण घना बदा नो एमना क्यारेक पण कोई स्ट्रगल लाइफ में होय तो कनु भाई ने जरूर याद करशे के नहीं कनु भाई ये आ वस्तु स्ट्रगल करी छे तो आपणे केम नहीं. तो ए घना बदाना रोल मॉडल रही चुक्या हशे. अने कनु भाई मारा दादाना फ्रेंड हता. मारा दादा अत्यारे तो नथी आ दुनिया में,
પણ જ્યારે મારા દાદા કનુભાઈની વાત કરતા હતા કે કનુભાઈ બહુ સ્ટ્રોંગ માણસ છે, સ્ટ્રોંગ પર્સનાલિટી છે, આ કંઈક કરીને બતાવશે, આ માણસ કંઈક કરીને બતાવશે, આ વસ્તુ મારા મગજમાં હજી છે કે નહીં બોલતા હતા દાદા. અને આજે એમણે અનાથ છોકરાઓ માટે એમણે આજે સ્કૂલ ખોલી છે દિવ્યાંગ બચ્ચાઓ માટે, અને પોતે મા બાપ બનીને એ છોકરાને પોતાના માનીને એક એક છોકરાને પર્સનલી હોસ્પિટાલિટી, આ યુ નો એ ઓરા જ મને જે મળે છે એ બહુ ડિફરન્ટ છે. અને એમનું આ કામ મારા માટે આ આ જોઈને પણ હું ઘણું યુ નો મારા માટે આ એક છે કે મારે પણ એક લાઈફમાં શીખવું જોઈએ કે આના જેવું મારે પણ કંઈક કરવું છે. તો દિવ્યાંગ ચેનલમાં અહીંયા આવીને બસ મને આજ કનુભાઈને મળીને મને બહુ યુ નો ગર્વ થાય છે કે આવા વ્યક્તિ આપણા સુરત શહેરમાં છે, એ આપણા માટે બહુ ગર્વની લાગણી છે. ભૂમિકાબેન, દિવ્યાંગ ચેનલ સાથે વાત કરવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.